बसंत पंचमी के अवसर पर हमने आज ये एक अद्भुत मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी एक साथ, ये बसंतगढ़ का मंदिर है। ये वो स्थान है, राणा कुंभा के समय का स्थान है, महाराणा कुंभा के। इसका बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका भाषा आप नाम का है? शोक जी नाम है। शोक जी है, जो यहाँ के पुजारी हैं और इस पूरी व्यवस्था को यहाँ देखते हैं। यहाँ कई मंदिर हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर भी हमने देखा, महादेव जी का देखा, और ये ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ में सरस्वती जी की भी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो भी बहुत खूबसूरत है। अब चूंकि शाम का समय होने को है, आरती का समय होने को है, और अब आरती होगी थोड़ी देर में। और यहाँ हमको पूर्व सरपंच साहब ने भी ये पूरी अच्छी जानकारी दी। ये खेताराम जी का यहाँ यहाँ रहे थे खेताराम जी? नहीं, पूरे तो के गुरु हैं। खैर, यहाँ संतों की महिमा है इस आबू क्षेत्र में। और मैं आपको एक बार इस पूरे नज़ारे को मैं जरूर आपको बार बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत विहंगम नज़ारा है। ये बसंतगढ़ जो कि बहुत विश्व के पटल पर इसका नाम भी है, ये धर्मशाला है यहाँ। और लगता है यहाँ रुकने ठहरने की भी अवश्य व्यवस्था होगी। ये किला है, ये पहाड़ी पे मैं आपको एक बार निवेदन करूँगा, ये महाराणा कुंभा ने यहाँ किला बनाया था। अब इसके कुछ रहे होंगे इतिहास, कुछ जानकार कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के लिए बनाया होगा या खुद के लिए, लेकिन ये स्थान बहुत विहंगम है, बहुत खूबसूरत है, और ये दुर्गम भी कहेंगे इसको। और इसीलिए ऐसे स्थानों में ही पूर्व जो राजा होते थे, वो ऐसे स्थानों में ऐसी पहाड़ियों पे ही अपने स्थान बनाते थे, महल बनाते थे। हम इस नज़ारे को एक बार थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि अब सायंकाल होने को है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अभी हमारे सरपंच साहब बता रहे थे, यहाँ के भूतपूर्व सरपंच साहब, कि ये नाला लगभग 6 महीने बहता था। इस बार बारिश बहुत कम हुई है और बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ। कृत्रिम रूप से भी पेड़ लगा रखे हैं, लॉन लगा रखा है। और इस संपूर्ण क्षेत्र की हम जितनी तारीफ करें वो उतना कम रहेगा। ये सामने ब्रह्मा जी का मंदिर, ये सामने फिर हमने देखा सूर्य नारायण भगवान का मंदिर, और बड़ी आस्था महाराणा, और ये हमने माता जी का मंदिर देखा, और ये यहाँ नाला। ये संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये हमारी धरोहर, हमारा इतिहास बहुत गजब का है। हाँ, आप बताएंगे। अच्छा अच्छा ये जो दिख रहा है झाड़ियों के पीछे, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। सोते हुए विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, और वहाँ नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। आज इसको भी सुराने की 3-4 बार लोगों ने कोशिश लिया था मेरे कार्यकाल में। अब हमको एक प्रयास जरूर करने चाहिए। देखिए, एक सहज रूप से देखा जा सकता है कि मंदिरों की जो संस्कृति थी, मंदिरों का जो विज्ञान था, मंदिर पहाड़ियों पे और उन जगहों पे होते थे कि जहाँ पहुँचने के बाद हमको सहज रूप से आनंद आता था, लेकिन हम उस आनंद से वंचित हो रहे हैं। और फिर अनेक अनेक तरह के तनाव और अशांति के माहौल में जी रहे हैं। हम कम से कम हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लें कि हम मंदिरों में ज़रूर जाएं। और सिरोही तो देव नगरी है, सिरोही आबू नगरी है, आबू का क्षेत्र है, और यहाँ तो सभी बड़े बड़े महापुरुषों को आना पड़ा है। और ये इस बात का इतिहास बताता है कि इस देवभूमि को हम जितना वंदन करें उतना कम है। आज हमको यहाँ इस पूरे क्षेत्र में कई मंदिरों के दर्शन हुए, और इसके लिए मैं इन पूर्व सरपंच साहब का और आपका सिखाव साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और हम यहाँ बस आते रहेंगे, हमारी ये जो श्रृंखला है देव दर्शन की, ये इसी तरह से आगे चलती रहेगी। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत, कितना भव्य मंदिर है, और इस मंदिर को सहेज के रखा हुआ है हमारे यहाँ के निवासियों ने। और यहाँ भी मुझे लग रहा है कितना कितना व्यवस्थित
मतलब ये एक बात हम कहेंगे कि इस जगह का कैसे चयन किया होगा, वो कितने उनका उनकी बुद्धिमता को नमन करता हूँ मैं, और आज इस आनंद की जय बोलता हूँ। बोलो आज के आनंद की जय।